हेलो गाइस, दिस इज अनुराग द्विवेदी अगेन विद माय न्यू वीडियो हाउ टू स्कोर गुड इन बिजनेस स्टडीज। हमने हमेशा सुना है ऑलवेज डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, तो चलिए देखते हैं कि बिजनेस स्टडीज में कैसे स्मार्ट वर्क करना है। लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 15 टिप्स टू स्कोर गुड इन बिजनेस स्टडीज। फर्स्ट इज 30% रीडिंग एंड 70% रिसाइट। हमें 30% एफर्ट्स किसी भी टॉपिक को पढ़ने में लगाने चाहिए एंड 70% एफर्ट्स उसको अपने आप को समझाने में। मान लीजिए कि आपके पास एक घंटा है पढ़ने के लिए, तो आप उसमें से 20 मिनट्स उस टॉपिक को पढ़ने में दें एंड बाकी के 40 मिनट्स अपने आप को समझाने में। सेकेंड इज विजुअलाइजेशन। बचपन में मैंने एक रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें बुरी तरह गिर गया था। मुझे ये बात इसलिए याद है क्योंकि वो घटना मेरे दिमाग में एज अ पिक्चर स्टोर हो गई है। हमारा माइंड कुछ इस तरह ही वर्क करता है, वो पिक्चर को बहुत जल्दी स्टोर कर लेता है एज कम्पेयर टू वर्ड्स। तो जैसा कि बिजनेस स्टडीज एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आप इसके हर एक टॉपिक को पिक्चर में कन्वर्ट कर दो, जिससे आप एग्जाम में किसी भी टॉपिक को इजिली रिकैप कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने बाजीराव मस्तानी के बारे में पढ़ा तो था, बट हमें वो याद नहीं था। लेकिन जब हमने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी तो हमें वो सारे डायलॉग्स याद हो गए बहुत अच्छी तरह। तो बस जल्दी से इस टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर दें। थर्ड इज मेमोरी टेक्निक। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो ये पॉइंट आपके लिए है। आप किसी भी टॉपिक के फर्स्ट पॉइंट का अल्फाबेट उठा लो एंड उसका एक वर्ड बना लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये चार वर्ड्स याद करने हैं, इवैल्यूएट, रिव्यू, कंबाइंड, एनालिसिस। तो सबके फर्स्ट अल्फाबेट उठा लो, मतलब ई, आर, सी एंड ए। इसका हमने एक वर्ड बना लिया, लाइक रेस। तो इससे आपको ये चारों नेम इजिली याद रह जाएंगे, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई में जरूर करें। फोर्थ इज डिस्कशन। अगर आपको आसानी से याद नहीं होता तो आप अपने 3-4 फ्रेंड्स का एक स्टडी ग्रुप बना लो। इससे जो टॉपिक आपको अच्छे से याद नहीं है उसे आप ग्रुप के साथ डिस्कस करके याद कर सकते हैं एंड अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इस इंस्टेंट टेस्ट। हमें माइंड के साथ एक गेम खेलना है ताकि हम कोई भी टॉपिक आसानी से भूले ना। इसके लिए एक मास्टर ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी जहां भी जैसे भी मौका मिले, आप एक पेन एंड पेपर लीजिए, कोई भी एक टॉपिक लीजिए एंड उसके बारे में लिखने लगिए। एंड अगर आपके आसपास पेन पेपर नहीं है तो आप अपने फोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड बाद में घर जाके चेक करना है कि आपने जो भी लिखा उसमें कितना करेक्ट है एंड कितना नहीं। इससे आप कभी भी एग्जाम में भूलेंगे। सिक्स्थ इज ब्रेक बिटवीन स्टडी सेशंस। आप बहुत पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता, तो सुनिए, आपको याद जब ही रहेगा जब आपका पूरा कंसंट्रेशन होगा। सो इसलिए हमेशा 3-4 घंटे कंटिन्यूअस ना पढ़ें, उसी बीच 30-40 मिनट का एक ब्रेक भी लें। इसमें आप पोमोडोरो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक ये बताती है कि आप हर एक 25 मिनट के स्टडी सेशन के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। सेवंथ इज स्लीपिंग ब्रेक्स। हमें ब्रेक्स तो लेने चाहिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ब्रेक्स में क्या करें जिससे हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो एंड हम स्टडी में भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इन शॉर्ट में बोलूं तो आप सोशल मीडिया से तो दूर ही रहें। आप ब्रेक्स में कुछ टाइम की नींद भी ले सकते हैं, इससे आपके थके हुए माइंड को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा एंड आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा घटने के बजाय। एट इज रिवीजन नोट्स। बुक्स में हमेशा जरूरत से ज्यादा लिखा होता है, इसलिए आप जो भी पढ़ें उसके सेल्फ नोट्स बनाते जाइए। आप अपनी रिवीजन जिससे जल्दी जल्दी कर पाएंगे एंड अगर आप चाहें तो आप उसकी पिक्स भी ले सकते हैं जिससे आप जब भी चाहें उन्हें एक्सेस कर सकते हैं।
9th is revision at the end of the day. अगर आप पूरे दिन में 14 आवर्स पढ़ते हैं तो उसे 13 आवर्स कर दीजिए। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको कम पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूं, लेकिन ये एक और मास्टर ट्रिक है। आपने पूरे दिन में जो जो भी पढ़ा है 1 आवर में उसको एक बार ऊपर ऊपर से फिर से रिवाइज कर लीजिए। एंड मेरा मानना ये है कि 5 चैप्टर्स आधे करने से बेटर है 3 चैप्टर्स परफेक्ट किए जाए एंड अच्छा स्कोर किया जाए। 10th इज मेक योर ओन एग्जाम्पल्स देन कन्वर्ट देम इनटू द बिजनेस। मेरा मानना यह है कि हमने बचपन से अपनी लाइफ के हर एक पल को जिया है, जाना है, समझा है, तो अगर हम इसे अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकें तो वाकई में मजा आ जाएगा। देखिए करना क्या है, आपको बिजनेस स्टडीज के किसी भी एक टॉपिक को लेकर अपनी लाइफ से रिलेट करना है, कंपेयर करना है, देन उसको अच्छे से समझ के फिर से बिजनेस स्टडीज में कन्वर्ट करना है। इससे आप औरों से ज्यादा याद रख पाओगे एंड अच्छे मार्क्स ला पाओगे। दिस ट्रिक विल डेफिनेटली मेक यू बेटर एंड देयर मे बी 40% इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस। 11th इज मेक डायग्राम्स। जरा सोचिए, आपको एक ऐसी बुक पढ़ने को मिले जिसमें कोई डायग्राम ही ना हो तो क्या आपको उसे पढ़ने में मजा आएगा? नहीं। लेकिन एक मैगजीन मिल जाए जिसमें बहुत से डायग्राम्स एंड पिक्चर्स होते हैं तो उसे पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सिमिलरली हम सबको पता है बिजनेस स्टडीज एक थ्योरी सब्जेक्ट है जिसमें नो डायग्राम्स एंड नो पिक्चर्स, तो कैसे एग्जामिनर को आपका बोर्ड का पेपर चेक करने में मजा आएगा, कैसे वो आपको अच्छे मार्क्स देगा? तो जी सुनिए, करना क्या है, डायग्राम्स बनाने हैं, जितने भी आप जल्दी से जल्दी बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आप इंपॉर्टेंस के लिए कुछ इस तरीके का डायग्राम्स बना सकते हैं, लिमिटेशन के लिए कुछ इस तरीके का डायग्राम बनाइए एंड प्रोसेस के लिए कुछ इस तरीके का। डोंट डू क्रैमिंग रट्टा इन बिजनेस स्टडीज। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Planning is the first function. Organizing is the second function. Staffing is the third function. Directing is the fourth function. Controlling is the fifth function. Planning is the first function. Organizing is the second function. Staffing is the third function. Directing is the fourth function. Controlling is the fifth function. तो जी देखा आपने, आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। रटिए मत, समझिए और अपने आप को समझाइए ताकि लंबे समय तक। डोंट लीव द सब्जेक्ट फॉर द लास्ट मंथ्स। हम लोग हमेशा बिजनेस स्टडीज को एग्जाम के टाइम पर ही पढ़ते हैं। हम मस्ती करने से, टीवी देखने से, घूमने जाने से, सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती और इन सब के बीच इस सब्जेक्ट को लाइटली ले लेते हैं एंड इन सब फालतू के कामों की वजह से बिजनेस स्टडीज को एग्जाम के टाइम पर ही पढ़ते हैं। बाकी हर सब्जेक्ट की ट्यूशन स्टार्टिंग में लगवा लेते हैं लेकिन बिजनेस स्टडीज या तो लगवाते ही नहीं है या फिर लास्ट में लगवाते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, मैथ्स, अकाउंट्स, इको से ज्यादा बिजनेस स्टडीज में 90% लाना आसान है, बस करना। हाउ टू अटेम्प्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्टली वैल्यूज क्या होती हैं? ये रही, वैल्यूज आर कस्टम्स, आइडियल्स और स्टैंडर्ड्स दैट पीपल चूज टू लिव बाय विद इन देयर पर्टिकुलर कल्चर। ये होते हैं वैल्यूज का मतलब। बट सवाल ये है कि हाउ टू अटेम्प्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। सो गाइस, इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जो सिर्फ इसी पे बेस्ड है कि हाउ टू अटेम्प्ट अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। 10th इज हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डर केस स्टडी,
क्या होता है ये केस स्टडी? केस स्टडी इज एन इवेंट, प्रोग्राम, प्रोसेस, एक्टिविटी ऑफ अ सिंगल पर्सन और ऑफ सेवरल पीपल। केस स्टडी इज अ बाउंडेड सिस्टम। द बाउंड्रीज ऑफ द केस यूजुअली टाइम एंड और स्पेस। केस स्टडी इज अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट दैट कैन बी सॉल्व्ड ओनली बाय लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड नॉलेज। सो गाइस, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें वो सारे ट्रिक्स, मेथड्स, टेक्निक्स के बारे में मैंने बताया है ताकि आप केस स्टडी को चुटकियों। सो गाइस, ये थी हमारी 15 टिप्स सो दैट यू कैन स्कोर गुड इन बिजनेस स्टडीज। अगर आपको लगा कि ये वीडियो रियली आपके लिए हेल्पफुल थी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब के लिए पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और ज्ञान बांटते रहें। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में अपना पूरा योगदान, जब जहां जैसे भी मौका मिले, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल को जरूर बचाएं। थैंक यू।